अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए एक नए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। जितना क्लीनिंग पेंटिंग का काम था वो सब कुछ आपके साथ शेयर करी हो। टीवी लाई सो भी दिखाई और अभी मामूली जो घर का रूटीन होता है वो आपके साथ शेयर करूंगी। जल्दी जल्दी यहाँ पर कपड़े भी धो डालूंगी क्योंकि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। आज फुल एक्साइटमेंट दिन है मुझे क्योंकि शाम में मैं किससे मिलने वाली हूँ आपको पूरा वीडियो देखने से मालूम होता है। सारा काम तो हो गया है तो कपड़े थे ये फाइनल कर डाले तो टेरिस पूरा क्लीन हो जाता है। कपड़े का ज़्यादा काम रहता है, सो पेंटिंग के टेम्पो बर्तन का चाह बनाते रहती हैं, पीते रहती हैं, इधर बर्तन पड़ते रहती हैं, इधर कपड़े पड़ते रहती हैं, समझ में जाता नहीं। तो क्या भी कर सकते नहीं, काम है तो काम करना चाहिए। जैसे कपड़े रहती हैं बर्तन रहती, मैं 5 बजे छूट जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। घर कलेज रहे तो और कपड़े भी इधर उधर रहे तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। सब परफेक्ट रहे तो 6 बजे उठती हूँ, नहीं तो जल्दी उठ जाती हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए वेदर भी बारिश नहीं आता, उस तक मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो लूँ क्योंकि भीगे कपड़े उठा करके तो स्मेल आ जाती है। आइए मेरी तो फैमिली नाश्ता करेंगे, कपड़े सब धोकर आइए पीछे और नाश्ता भी आया है। वो आया छीले सागू नीलू पकाइए सब, मैं चाय बिस्किट भी खा रही हूँ। डाइनिंग टेबल आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑनलाइन मेरी यही है, वहीं से पता चल जाए जहाँ भी मिली है। पप्पू हमें कहाँ जा रही हैं आज? आज हमें दरगाह जा रही हूँ पंडल को, थड़ी को और साथ साथ में खान अनिल सागरी हवाली उनके आज से माशाल्लाह। देखते हैं आज कितना रश रहता है विधानसभा के पास। इतनी अभी आपको चले गए सोनू, हाँ वहाँ भी संडल था। वाह हमारे इतना भी वैसा करती है ये अभी फेंके नहीं बॉक्स। एक हफ्ता बनाओ क्या? अच्छा एक बार हम पूरा घर में रखो उसके बाद ठीक होगा। चप्पल कैसे हैं तुम्हारे? चाय पी रही हूँ और इतना भाग दौड़ था पूरा वारम मंजे दरीचा बिठा को पेंट 1 से 3 बार करा को बहुत गलीज भी था और साथ में टीवी भी फूट गई, मूड खराब हो गया। उसमें अपने आप को ना तो कपड़ों का ख्याल था ना तो मुझे अपने आप का ख्याल था, बहुत दिमाग ख़राब था। और कुछ भी लाने जाना तो पास को बुरखा लगी नहीं सकती थी, कपड़े भी उठा नहीं सकती थी, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। उससे मैं अपने आप को भूल जाती हूँ वैसे कामों में कि छोड़ो आप क्या मेरा कर दो बिल्कुल। तो मुझे मालूम था आप बोलेंगी कपड़े अच्छे पहनो क्लीन नहीं हूँ बिल्कुल। मुझे खुद तो वो वीडियो सभी अपलोड नहीं करना चाहती थी कि मैं इतनी मेहनत से कहाँ कहाँ जा रही हूँ आपके वास्ते कई वीडियो नहीं डाली बोल को दिखाने के वास्ते डाली। डिक्शनरी देखो एटीवी में कितना अच्छा दिखता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। तो सोच रहे होंगे आज मैं कहाँ जा रही हूँ बोल के, आज क्या तारीख है? संडे, मंडे से मैं जा रही हूँ थोड़ी इधर का जो असंदोल है बाबा का। कहाँ जा रही थी मम्मा हमें? दरगाह को। हमें भी बुरखा पहनती है। कितने का हुआ गया? 580 का? 600 का? 585। तो जा कर आके जाके नहीं फिर दलाना।
माशाल्लाह अभी हम दिन का सारा काम ख़त्म करके निकले 4 बजे। यहाँ पर देखिए क्लाइमेट भी कितना अच्छा है, ठंडी हवा, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे क्लाइमेट में जाना, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो साथ साथ में यहाँ पर एटीएम में ढूंढ रही हूँ, ताकि वहाँ पर एक एक जगह फ़ोन पे नहीं होता, तो थोड़े बहुत पैसे भी ले लेंगे, थोड़े बहुत थे और भी थोड़े बहुत रख लेंगे साथ में। तो चलिए चलते हैं। तो वहाँ पर मैं फ्रेंड के घर को भी जाऊँगी, फर्स्ट बार खाली हाथ नहीं जाते, तो कुछ और लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आइटम आते हैं, लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो चुगनी के पास सही है, मंज घर के पास या दूसरी जगह का तो समझ में आता है क्या लेना बोल को। ऐसी जगह जाती हूँ ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, आइटम देखने इतने भारी भारी रहती, टेस्ट कैसा रहता है कि अगर दिमाग में आता रहता है। सोचे कि यहाँ पर एक केक टेस्ट करके देखेंगे टेस्ट कैसा है बोल को। मैंने खाया नो। कहीं भी जाते हैं तो बच्चे सुनते नहीं, कभी कभार जंक फूड खिलाना चाहिए, क्या भी कर सकते नहीं और खाली हाथ भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है वो लेके जाऊंगी। दरगाह गई तो मैं जरूर से बुरखा पहन के जाती हूँ, ऐसा दूर कांते भी गई तो घर के पास आजू बाजू गाड़ी चला लेकर फिरती हूँ ना, तब मैं बिल्कुल बुरखा नहीं पहनती नज़दीक की जगह। देखो यहाँ पर मैं बुरखा फुल पहनी हूँ, ऐसा नहीं क्या हमारे घर में मैं बुरखा नहीं पहनती, कम से कम 6 बुरखे ही मेरे पास, रमज़ान में भी धोली हूँ, अभी वो पहन कुछ नहीं हूँ, बुरखा पहनती हूँ, ऐसे नहीं पहनते और क्या भी नहीं। भूख लग रही है ऐसे ठंडे क्लाइमेट में, पानी पूरी गोभी नहीं तो बूटे चटनी। अब फिलहाल मेरे पास क्या भी नहीं है, क्रीम बन है, जाम क्रीम बन। बहुत सालों से मैं सोच रही थी कि मैं थली की दरगाह जाना घर को टाइम ही नहीं आ रहा था। देखिए जब हमें सोचते नहीं तब वो टाइम जुड़ कर आ जाता है। तो मैं भी 8-10 दिन से बहुत बिजी थी। कुछ घर शिफ्ट करते हैं ना तो ये छोटी मोटी काम नहीं होता, अब भी 2-3 महीने भी नहीं हुआ, फिर घर शिफ्ट करोगे तब मैं काम दूर जा को नहीं हुआ, ऊपर के घर से नीचे के घर को आको हिंसा में। और आप पूछ रहे थे कि आप कहाँ पर बदले हैं बोल के, कहीं में ये 2 बीकीज घर है। और कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली, आपके लिए सब दुआ करूँगी। चार बजे से पाँच से 2 ओवर लग गया, 7 बजे आ गए हमें यहाँ पर। देखिए मगरिब का टाइम होने वाला है, तो 50 किलोमीटर का तो हिसाब डालिए। 300 meters, turn right onto National Highway 948A. लड़ा। बिस्किट लड़ा। बिल्ली दूसरे ने। दूसरे ने तो खोल दिया। शेरू। लड़ा उठा पा। माशाल्लाह। बेटी, बिस्किट डाल दे। बिस्किट। लड़ा। नीचे एक डालो, नहीं चाहता है। खटर ही दबा। खाना पानी सब दूसरा नहीं, चिकन मटन का तलते नहीं, पूरा राशन अलग, शेरू का खाना, बिस्किट मरत बचा है। शेरू को पूरे बात समझ में आती है, गुस्सा बोले तभी मालूम है, मैया करे तभी मालूम। शेरू क्या वो
क्या हुआ मेरा बेटा? बिल्ली पाले जी वफादार अब भी निकले दो ले। हाय शिरू फिर कल आते नहीं किए 10 बजे फिर है पता दिन भर सुबह में फिर सुबह में 6:30 घंटे को हमारे फ्रेंड के घर को तो आ गए थे तो फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ पर। फिश टैंक भी देखिए और शेरों को भी पाली और ज़्यादा मैं विदाउट परमिशन के उनका घर पूरा नहीं पकड़ सकी। अच्छा नहीं लगता उनको पसंद नहीं रहा तो बाद में मुझे मुश्किल होता है। परमिशन दिए तो मैं वीडियो डालती हूँ नहीं तो नहीं डालती। माशाल्लाह इतनी रौनक है लाइटों से तो सजा डाले थे और देखने दो आँखियाँ भी बसने हो रहे थे इतना अच्छा सवा रहे थे। मुझे तो देख कर बहुत खुशी हो गई। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा मैदान है वही देख रहे थे हम। तो यहाँ पर दाल और खुशका यहाँ पर देखिए खाना भी खा लेंगे हम। अभी दरगाह के पास ही खाना भी खिला रहे थे तब रुक के हिसाब से दाल चा देखिए माशाल्लाह। एक से दो तो वीडियो में डाली थी थड़ी की दरगाह का संदोल है आ जाओ बोल को लेकिन आप रिप्लाई नहीं करे तो यहाँ आने के वास्ते मैं आप सबको बुलाई। शायद आपके पास टाइम था नहीं था क्या आप बिजी थे क्या मालूम नहीं ये सभी मालूम नहीं रहता सबका एक एक प्रॉब्लम रहता है। मैं तो आ चुकी हूँ सबके वास्ते भी दुआ करूँगी। कौन आए थे यहाँ पर दरगाह को ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं तो आई हूँ तो खाना खा के देखते हैं बाहर का नज़ारा भी। बहुत सारे वही मामूली परसा बंगड़िया ये सब कुछ आके हैं हुआ तो वो भी वीडियो बनाएंगे। हमें आने के बाद भी बहुत सारे आदमी आ रहे और 9:30 तक भी आती और देखिए अभी कितना मैदान खाली है बाद में दिखाऊंगी। उनका स्टेज देखिए यहाँ पर खवाली होने का नहीं साबरी आ रही तो उनका आवाज़ उन्होंने बचपन से गाती उनसे स्टाइल और उनकी खवाली उनके बहुत जनिया से पूछी मैं आज यहाँ पर क्या खास तो अनिस साबरी कहते थे उन्होंने मेरे भी फेवरेट हैं। मैं उनकी खवालियाँ बचपन से भी सुनती हूँ यानी कि उनके बचपन के और उनकी आवाज़ ही कुछ और रहती है उनके हर कलाम मुझे बहुत पसंद। तो आज कौन आ रही थी सिमरन है उन्होंने भी आ रहे हैं उनकी भी खवाली है सलमान के साथ। देखिए यहाँ पर महफिल जम रही है सब जने खाना खाले को उन्होंने उनकी जगह यहाँ पकड़ रही और ठंड भी अच्छी थी यहाँ पर इतने रोज से गर्मी कर रहे हो अंदर रहे तो यहाँ पर ठंडी हवा में जरा जने सो रही रश ले रही अनी सब आई खाना खाने जाको इन कर को बोल रही सबके बात सुन ले हमें भी बैठे थे अच्छा लग गया बहुत अच्छा लग गया। यहाँ पर देखिए मैं मैसूर की दरगाह जाती ना माजी की सेम ऐसा दिशा मुझे नहीं कह रहे मोमो और हमारे घर में तो अनिल साबरी के रोज मैं नाता सुनते रहती हूँ तो Thank you.
टीवी रहमतुल्लाह अलैह के मजार अक्दस पर हाजिर पेश करने का मौका। मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ, बड़ी मेहनत है इन तमाम लोगों की हमें पेश करने के लिए। लीजिए वक्त जाया न करते हुए एक हमद वाली ताला पेश कर रहा हूँ। मैं पूरी आवाम से प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत चाहता हूँ, आप लोग हाथ उठाकर इजाजत से नवाजिए। और जिनके वसीले से हम आप तक पहुंचे हैं, मेरे बड़े भाई मेरे अजीज जनाब समीउल्लाह खान साहब, जनता कमाली सेंटर के मालिक, मैं भाई से भी इजाजत चाहता हूँ, इजाजत से नवाजे। और हमारे बराबर में जो फनकार हजरात बैठे हैं, इजाजत चाहते हुए आगाज करना हूँ समाप्त करना। चला जाता है
मेरी बज़्म में आता है चला जाता है, मेरी बज़्म में आता है चला जाता है। जब कभी मिलता हूँ तैबा से पहुँचती है मदद, आता है उठाता है चला जाता है, उठाता है चला जाता है। हम जाए ये जहाजों में जो मालिक है सिकाने लग जाए, हम कमांडर ही बताएगा जो उड़ाने लग जाए। आज का वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिए, नए रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। सबके लिए दुआ कर रही हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।